नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ किचन की टिप्स लेकर आई हूँ। होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ वो ब्रेड को लेकर है। जब हम ब्रेड लेके आते हैं तो उसे एक या दो दिन ही हम फ्रिज में रखते हैं और हमारी ब्रेड काफ़ी ड्राई सी हो जाती है और जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो टूट टूट के गिरती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको जो टिप बता रही हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा, आपकी ब्रेड एकदम फ्रेश बनी रहेगी। ब्रेड को आप फ्रीजर में रखिए, ना कि फ्रिज में। मैंने देखिए ब्रेड फ्रीजर में रख दी थी, बस जब आपको यूज़ करना हो उससे 10 मिनट्स पहले या 5 मिनट्स पहले आप निकाल के रूम टेम्परेचर पर ब्रेड को ले आइए। अभी देखिए इस पर कुछ आइस सा जम रहा है, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। इससे मुझे सैंडविच बनाने हैं तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख लिया है और 5 मिनट में ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कि एकदम फ्रेश ब्रेड होती है। ऐसा ही फ्रेंड्स, देखिए ये बड़ा पाव है। आप जो पाव भाजी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए पाव लाते हैं तो वो भी टूट जाते हैं, तो आप उनको लेके आइए और फ्रीज़र में रख दीजिए। बस एक टिप फॉलो करना है, यूज़ करने से आपको 5 से 10 मिनट्स पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ले आना है। आप देखेंगे कि आपकी ब्रेड एकदम फ्रेश है। जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो उससे पहले जो मलाई होती है उसको मैं गैस पे गरम कर लेती हूँ और ये एकदम पतला पतला दूध जैसा बन जाती है। फिर आप इसमें जामुन लगा दीजिए और कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में रखने के 1-1.5 घंटे बाद आप वापस निकालिए और किसी ब्लेंडर से इसको चला लीजिए। बहुत जल्दी ही इसमें से बटर निकल आता है और इस बटर को आप किसी ऐसी कढ़ाई में घी बनाइए जो थोड़ी सी मोटी हो। इससे आपका घी जो होता है वो लेयर से नीचे नहीं लगता है और घी काफ़ी अच्छा भी बनता है। और फ्रेंड्स, जब इसको हम बटर निकाल लेते हैं तो पीछे जो छाछ बन जाता है उसको भी आप यूज़ कीजिए, फेंकिए नहीं, क्योंकि हमने जामुन लगाने के बाद मलाई को चलाया था तो ये छाछ बहुत तरह से यूज़ होता है। और देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा निकल आया है। जब घी में एक चट चट की आवाज़ आने लगती है तब समझिए कि आपका घी अब तैयार होने वाला है। बस इस टाइम पे आप गैस बंद कर दीजिए और देखिए जो छाछ बचा था उससे मैंने ये पकौड़े वाली टेस्टी कढ़ी भी बना ली है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घी बनकर तैयार हो गया है। मेरे पास इस तरह से घी कई डब्बों में इकट्ठा हो गया है क्योंकि जो मैं दूध लेती हूँ उस पर अच्छी मलाई आती है तो मेरे पास काफ़ी घी इकट्ठा हो जाता है। देखिए ये 18 जुलाई पर मैंने डेट डाल रखी है। मेरे पास इस तरह के कई बॉक्सेस हैं, जब एक बॉक्स भर जाता है तो मैं उसके ऊपर डेट डाल देती हूँ। इससे मुझे पता रहता है कि कौन सा बॉक्स मैंने कब भरा है। ये देखिए नया वाला घी है, ये एक बार में ही इतना आ जाता है। तो जब इसके ऊपर अगर डेट रहती है तो आपको पता रहता है, तो आप उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पुराना है। पुराने वाले को पहले यूज़ करना होता है, तो आप बस कोई एक परमानेंट मार्कर से यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिए और जो नया वाला है उसको मैं पीछे की साइड रख देती हूँ क्योंकि उसका यूज़ तो बाद में होना है, और जो बैक डेट्स के हैं उनको मैं आगे रख लेती हूँ। तो इस हिसाब से मैं अपना घी रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम बनानास वगैरह लेकर आते हैं तो ये 1 या 2 दिन बाद ही पकने लगते हैं और वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिसका डंठल वाला पार्ट होता है इसको आपको किसी चीज़ से कवर कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिंग रैप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल ले सकते हैं, नहीं तो कोई पॉलीथीन भी ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई कॉटन का हैंकी गीला करके आप इस पर लगा दीजिए। इस तरह से ये 2-3 दिन अच्छे से चल जाएंगे। और एक और आपको ट्रिक बताती हूँ, जब हम फ्रूट्स की शॉप पर जाते हैं तो वो लोग डोरी में बनानास को हैंग करके रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं, इससे बनानास किसी के टच में नहीं आते हैं और गलते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर हैंगर यूज़ करके इनको हैंग कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम लोग मसाला या बेसन वगैरह छानते हैं तो उसमें कुछ गांठें होती हैं, तो यहाँ पर मैं छानते समय मेरे पास ये कुछ स्टोन की बॉल्स हैं, मैं स्ट्रेनर में डाल देती हूँ, हाथ नहीं लगाना पड़ता है और सारा आटा छन जाता है। राजमा और छोले जो होते हैं इनको हमें ओवरनाइट सोक करके रखना होता है तभी ये अच्छे से गलते हैं।
अगर आप ऐसा करना भूल गए हैं तो चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और उसमें राजमा को सोक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है, जो खाने वाला सोडा होता है, इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसको आपको लगभग आधा चम्मच ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आप इसको किसी प्लेट से ढक के रख दीजिए और लगभग एक घंटे में ही आप देखेंगे कि आपका राजमा अच्छे से फूल चुका है। देखिए, एक घंटा हो चुका है और राजमा फूल कर ऊपर आ चुका है। अब आप इसको लीजिए और प्रेशर कुकर में डालिए और इसको बॉईल कर लीजिए। सेम वैसा ही राजमा तैयार होगा जैसे कि पूरी रात सोक करने पे बनता है। बिल्कुल अच्छे से आपका राजमा गल जाएगा। टिप पसंद आया हो तो एक लाइक अभी कर दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड, जब हम वेजिटेबल्स वगैरह को पील करते हैं जल्दी जल्दी में, तो हम ऐसे ही काउंटर टॉप पे कर लेते हैं और ये सारा काम काफ़ी गंदा सा हो जाता है। हमको सारा क्लीन करने के लिए हो जाता है। पहले आप सारा हटाएंगे कचरा, फिर आप वाइप भी करेंगे। तो आप एक इस तरह की प्लेट ले लीजिए, इसको केवल पील करने के ही लिए रखिए। जब से मैं वेजिटेबल्स पील करते हैं तो इसी प्लेट के ऊपर आप वेजिटेबल्स को छीलिए, तो सारा कचरा प्लेट में होगा। बस आपको प्लेट उठानी है और इसको डस्टबिन में डाल देनी है, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपका काम भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब जो सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न, इस सीज़न में हम जो वेजिटेबल सबसे ज़्यादा खाते हैं वो है कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल। पर इसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो दिखते भी नहीं हैं, चाहे आप कितने अच्छे से भी क्लीन कर लें। तो आप वेजिटेबल को काटने के बाद किसी बाउल में पानी भर के अंदर पूरा डुबो के रख दीजिए और इसमें आधा चम्मच आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, पानी आप चाहे तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा गुनगुना भी ले सकते हैं और सॉल्ट को इसमें मिक्स कर दीजिए। इस तरह से इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसमें जो भी छोटे कीड़े वगैरह होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे। अब आप इसमें से निकालिए, अच्छे से वॉश करिए और वेजिटेबल को कुक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये टिप कैसा लगा? पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।